नमस्कार, देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद बढ़ता जा रहा है। पाबंदियों के बाद भी केरल, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के जेएनयू में ये डॉक्यूमेंट्री देखी गई। अब मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के छात्र भी आज इस डॉक्यूमेंट्री को देखने पर अड़े हुए हैं। टिस में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम के छात्रों ने आज शाम 7 बजे इसे देखने की तैयारी की है। आयोजन कैंपस के अंदर ही रखा गया है और ये सब कुछ तब हो रहा है जब टिस प्रबंधन ने डॉक्यूमेंट्री दिखाने या देखने की इजाजत देने से साफ इनकार किया है। वहीं मुंबई बीजेपी ने इसे दिखाए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। तो आपको बता दें, इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर पहले ही काफ़ी हंगामा हो चुका है। कई कैंपस में हंगामा हुआ है इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, जहां छात्रों ने इसे देखने की कोशिश की है। कई जगह पर हमने देखा किस तरह से झड़प भी हुई। और अब यहां पर टिस में छात्रों की शाम 7 बजे इस डॉक्यूमेंट्री को देखने की तैयारी है। आपको बता दें एक बार फिर से कि हालांकि जो टिस प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, उसने इसकी इजाज़त नहीं दी है, यानी मैनेजमेंट की तरफ से इसे नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि जो छात्र हैं यहाँ पर प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन जो है उसने इसका आयोजन किया है। सुनील सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, कई जगह पर इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा हुआ है, अब टिस में इसको दिखाया जा रहा है 7 बजे स्टूडेंट्स की ही तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए प्रबंधन ने कहा है कि उन्होंने इजाजत नहीं दी है, मामला पुलिस तक भी पहुंचा है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फोरम है वो उनका कहना है कि 7 बजे हम ये जो इसका कैंपस है इसके अंदर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करेंगे। इसी वजह से यहाँ पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो यूथ विंग है, यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा, वो यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो उनका कहना है कि किसी भी हालत में वो डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर स्क्रीनिंग करने नहीं देंगे, क्योंकि ये गलत नैरेटिव जानबूझकर फैलाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, इसीलिए वो विरोध करने यहाँ पर आए हुए हैं। और इनका एक जो प्रतिनिधि मंडल है वो फिलहाल अंदर कॉलेज प्रशासन से, जो इंस्टीट्यूट प्रशासन है, उससे बात करने के लिए गया है। और एहतियातन कड़ी यहाँ पर पुलिस काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है, सुरक्षा व्यवस्था की गई, कहीं कोई किसी तरह की कोई अनहोनी न हो। लेकिन ये जो बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसको लेकर एक जो विवाद है, जो एक बवाल मचा हुआ है पूरे देश में, हम देख रहे हैं कि अभी तक दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद में चल रहा था केरल में, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर भी शुरू हो चुका है। और जब से जो टिस के जो छात्र हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के जो छात्र हैं, खास करके प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स फोरम ने, उन्होंने घोषणा की है कि वो इसे दिखाएंगे, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। उनकी तरफ से एक मांग है कि क्यों नहीं, किसी पे ये हमारी आज़ादी के खिलाफ है, हमारे आज़ादी का हनन है कि हम कुछ नहीं देख सकते। लेकिन चूंकि भारत सरकार ने स्क्रीन पर पाबंदी लगाई है, इसीलिए इंस्टीट्यूट ने भी उसकी इजाजत नहीं दी है। यहाँ पर फिलहाल देखिए, ये बीजेपी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो मुंबई के अध्यक्ष हैं तेजेंद्र तिवाना, वो अंदर जाकर आए हैं, बात करके आए हैं। और प्रबंधन तो खैर ने इजाजत नहीं दी, इसे प्रबंधन की तरफ से बात करने गए थे, लेकिन जो स्टूडेंट्स फोरम है वो तैयार नहीं है, लिहाजा ये जो इस जो तनाव है ये इतनी आसानी से यहाँ पर जल्दी निपटता नहीं नजर आ रहा है। और वो स्टूडेंट्स अपनी तरफ से कैंपस में देखेंगे तब लेके एक स्थिति क्या होगी और तब क्या कैसे पुलिस या फिर जो इंस्टीट्यूट है प्रबंधन है कैसे इस बात से निपटेगा, ये देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल चूंकि अभी सिर्फ छह बजे हुए हैं तो अभी वक्त है उसके लिए, क्या तब तक ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, ये यहीं बैठे रहेंगे, विरोध करते रहेंगे या नहीं। वैसे इसके पहले जब इनसे मैंने बात की थी, इनके नेता से, तब इनका कहना था कि किसी भी हालत में हम नहीं देखने देंगे और हम अगर बातें नहीं मानी जाएगी तो हम कॉलेज कैंपस में भी जाएंगे। हालांकि जिस तरह से यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त किया है और इनकी संख्या जिस तरह से बहुत ही नगण्य है, बहुत कम है, तो लगता नहीं है कि अंदर जाकर रोक पाएंगे। लेकिन एक दबाव यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जरूर बनाया जा रहा है कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की जो स्क्रीनिंग करने की कोशिश की जा रही है, खास करके प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम की तरफ से, वो न होने पाए। दोनों पक्ष अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, जो इंस्टीट्यूट है का प्रबंधन है और पुलिस है, फिलहाल ये तटस्थ हैं और ये कोशिश में है कि ऐसा कुछ ना हो,
जिससे कि यहाँ पर तनाव फैले। जी, जिस तरह का वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं सुनील, क्योंकि 7 बजे जब जैसा आप बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स यूनियन भी बिल्कुल इस बात पर अडिग है कि वो ये डॉक्यूमेंट्री देखेगा, दूसरी तरफ ये विरोध भी लगातार ये कह रहे हैं कि करते रहेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, तो किस तरह के इंतजाम कॉलेज की तरफ से या प्रशासन की तरफ से वहाँ पर किए गए हैं? देखिए, कॉलेज ने तो कह दिया कि हम स्क्रीनिंग की अनुमति हमने नहीं दी है, और अगर कोई कहेगा तो उसके जो नियम कानून है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस ने फिलहाल, चूंकि यहाँ पर मोर्चा आया है, तो देखिए यहाँ पर पुलिस है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल लगाए गए हैं जो कि पूरे मामले को, पूरी स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश में है। देखिए, ये टीस का इधर गेट है, एंट्री है, और यहाँ पर जो है कि कैसे कितनी बड़ी संख्या में पुलिस, यहाँ पुलिस बल आया हुआ है, जिसमें कि PI से लेके ACP से लेके खुद जो है कि इलाके के जो DCP है वो भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर मौजूद है। तो पुलिस की तरफ से पूरी सतर्कता बरती गई है, पूरी कड़ाई यहाँ पर बरती जा रही है, वो दोनों पक्षों को उनकी समझाने की कोशिश है। फिलहाल जो भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो दल है उनको समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अभी खुद तेजेंद्र सिंह तिवाना जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष यहाँ पर आए और अंदर जाकर आए, और अब वो यहाँ पर फिर से बैठे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो स्थिति है वो इतनी जल्दी से हटने वाली नहीं है, क्योंकि मामला 7 बजे की घोषणा की बात है, तो 7 बजे क्या होगा, कैसे होगा, ये फिलहाल देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से नारेबाजी हो रही है युवा मोर्चा की तरफ से, और दूसरी तरफ ये कैंपस है जिसमें कि बता रहे हैं कि अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हॉस्टल भी है, तो वो यहाँ पर स्क्रीनिंग करेंगे। बीच में पुलिस और मीडिया है फिलहाल, जो कि इंतजार हो रहा है कि आगे क्या होगा। फिलहाल जो स्थिति है, तो तनाव यहाँ पर हम कह सकते हैं हल्की सी बनी हुई है, जो बवाल मचा है डॉक्यूमेंट्री को लेकर वो यहाँ फिलहाल जाएगा। बहुत शुक्रिया सुनील, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे और जानकारी लेते रहेंगे इस पूरे मसले पर। और आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली में, NCC के सालाना कार्यक्रम में PM मोदी पहुंचे, आपको सीधा वहीं ले चलेंगे। What is it that sparks a sense of belonging and pride in our... कदम से कदम मिलाते हुए NCC के ये कैडेट्स, माननीय प्रधानमंत्री जी सैल्यूटिंग डेस पर, एंड नाउ वी हैव द माउंटेड कंटिंजेंट, एंड यू कैन सी 5 flags देयर, द नेशनल फ्लैग बेरर अंडर ऑफिसर कपिल फ्रॉम द दिल्ली डायरेक्टरेट। Amongst the musical tunes, the band is playing the Salman Ka Dhun. As we see the national flag bearer, under officer Kapil from Delhi Directorate on his horse Tufan. The extreme left is the NCC flag being borne by cadet Kavya Bagrodia of the Northeastern Region Directorate on her horse Victor. Army flag being carried by cadet Vaibhav Rana from Punjab, Haryana, Himachal and Chandigarh Directorate on his horse Tez. As we see the distinguished guests on the saluting dais with the musical tunes by the band. The Navy flag bearer is Senior Under Officer Sukhpreet Kaur from Punjab, Haryana, Himachal Pradesh and Chandigarh Directorate on her horse Vidat. And the 5th flag bearer is the Air Force flag being borne by Sergeant Tamanna Chowdhury of the Rajasthan Directorate on her horse Tanu. Sight that the audience here will be very happy to behold in their eyes as they wave the Indian tricolour, and the tricolour there being held by Under Officer Kapil.
So we have 17 horses there and 17 officers representing the 17 directorates. The mounted contingents are now followed by the 5 NCC marching contingents that represent the 4 regions and the girls contingent. This is the girls contingent that is being led by Senior Under Officer Jidina B. John. मध्य प्रदेश के मुरैना के पास विमान हादसे में एक पायलट की मौत हो गई है और 2 पायलट घायल हुए हैं। 2 लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 दुर्घटनाग्रस्त हुए। हादसे में मिराज 2000 के पायलट की मौत हो गई। सुखोई के दोनों पायलट घायल हैं। दोनों लड़ाकू विमान ग्वालियर एयरबेस से उड़े थे। हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। जो हमको जानकारी मिली, आज सुबह 2 विमान थे, एक मिराज था और सुखोई था, वो ग्वालियर से उड़े थे। और इसके बाद सूचना मिली कि यहाँ पे जो है एक किसी ने विमान में आग लगा हुआ देखा है जाते हुए, और फिर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मौके पे कि कुछ जो पार्ट्स हैं वो पड़े हुए हैं। 2 पायलट जो एयरफोर्स से सूचना हमें मिली है, उसमें एक विमान में 2 पायलट थे और एक में सिंगल पायलट थे। तो 2 पायलट सही सलामत मिल गए हैं और एक पायलट के कुछ बॉडी पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। और एक अभी ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि भरतपुर में भी कुछ जो विमान के जो हिस्से हैं वो भरतपुर में भी मिले हैं, उसके बारे में जो है पतारसी चल रही है। और बात करते हैं हम झारखंड की, जहां पर धनबाद जिले के एक निजी अस्पताल में आग लग गई जिसमें झुलसकर 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में डॉक्टर दंपति भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक सभी लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पहले अस्पताल के स्टोर रूम में आग लगी जो बाद में फैलती गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल यहां पर भर्ती सभी मरीज सुरक्षित हैं, उन्हें तत्काल दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। सही टाइम से हमको सूचना नहीं मिल पाया। यदि सही टाइम से मुझे सूचना मिलता तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। कितने लोग की मतलब संख्या है सर मौत की? तो मौत को तो हम पुष्टि भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये रेस्क्यू करके अपने कर्मचारी द्वारा रेस्क्यू करके इसमें पुलिस का सहयोग भी बहुत अच्छा मिला। यहाँ स्थानीय लोगों का भी सहयोग अच्छा मिला। 5 को जेंट्स को रेस्क्यू करके मेरा कर्मी द्वारा निकाला गया और 2 लेडीज को निकाला गया, 2 डॉग निकाला गया, जो कि जो 2 डॉग में एक डॉग को सुरक्षित उसको निकाल लिया गया, लेकिन एक डॉग जो बड़ा था मेट्रो में 24 मिनट की गाड़ी आई थी। जी हम लोग कुर्सी जब हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, हम लोग धराधर आए तो आगर किनारे यहाँ गार्ड था, 4 गार्ड जिन्हें मालिक अपना मालिक निकाला। जब लोग पैर से निकाले, मरीज निकालने लगे। जी जी फिर मरीज निकालने लगे, फिर फायर ब्रिगेड का फोन कर रहे हैं तो फिर अपना आए, फिर हम लोग अपना पैसे देते हैं, सब बाहर कर दिए। कितने लोग थे? 6 जन 6 बॉडी निकला। हाँ 6 और पेशेंट भी थे यहाँ पर? जब अंदर टीम गई तो पता चला बाद में कि डॉक्टर दंपति जो विकास हाजरा और उसकी पत्नी प्रेमा हाजरा, दोनों पेशे से डॉक्टर थे, दोनों सफोकेशन से ऐसा प्रतीत होता है, सफोकेशन से उनकी जांच चलाई गई। आग लगने का तो अभी देखिए इसमें एक्सपर्ट ही बताएंगे, जो अगर बिजली की बात आती है तो बिजली डिपार्टमेंट बताएंगे कि आग कैसे लगी, क्यों लगा, कैसे लगा। तो उसमें जांच पड़ताल में अभी जांच की है, बाकी अभी प्रथम दृष्टि तो लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इस हादसे पर दुख और संवेदना जताई है। अपने ट्वीट में सीएम सोरेन ने लिखा है कि धनबाद स्थित हाजरा मेमोरियल अस्पताल में देर रात लगी आग से प्रसिद्ध डॉक्टर दंपति डॉक्टर विकास और प्रेमा हाजरा समेत कुल 6 लोगों की मृत्यु की खबर से मन व्यथित है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की ये विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दें। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के भीलवाड़ा भगवान देवनारायण जी के 1111वें अवतरण समारोह में शामिल हुए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में इस खास धार्मिक मौके को बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बुनाने की कोशिश की। एक तरफ जहां पीएम मोदी खुद भगवान देवनारायण जी के अवतरण समारोह में शामिल हुए, वहीं राजस्थान सरकार ने आज के दिन अवकाश की घोषणा की। प्रधानमंत्री के भाषण की बात करें तो उन्होंने गुर्जर युवाओं को देश की सेवा में आगे आने का आह्वान किया। इशारे इशारे में ये भी कहा कि कमल फूल से मेरा गहरा नाता है और भगवान देव नारायण जी भी कमल फूल से अवतरित हुए थे। इससे पहले भीलवाड़ा पहुंचकर प्रधानमंत्री ने मालासेरी डूंगरी मंदिर में पूजा अर्चना की। गुर्जर बिरादरी भगवान देव नारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार मानती है। कैसा संयोग है, भगवान देवनारायण जी का 1111वां अवतरण वर्ष उसी समय भारत की G20 की अध्यक्षता और उसमें भी भगवान देवनारायण का अवतरण कमल पर हुआ था और G20 का जो लोगो है उसमें भी कमल के ऊपर पूरी पृथ्वी को बिठाया है। ये भी बड़ा संयोग है और हम तो वो लोग हैं जो पैदाइशी कमल के साथ हुई है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे अनगिनत सेनानियों को हमारे इतिहास में वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, जो उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन आज का भारत, नया भारत, बीते दशकों में हुई उन भूलों को भी सुधार रहा है। अब भारत की संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, भारत के विकास में जिसका भी योगदान रहा उसे सामने लाया जा रहा है। और पीएम मोदी के इस दौरे पर और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह। देखिए, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की जो सभा हुई है उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि एक सामाजिक, एक धार्मिक कार्यक्रम है, लेकिन समाज और धर्म से राजनीति कभी दूर नहीं हो सकती है। जो गुर्जर वोट है वो इस चुनाव में बहुत अहम रहेगा, कई तो निर्णायक भी रह सकता है, क्योंकि गुर्जर जो है 9 से 12% है आबादी के, और पूर्वी राजस्थान में, खासकर पूर्वी राजस्थान में वो करीब 40 से 50 सीटों पर प्रभाव डालते हैं। अब कई मुद्दे हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज समय समय पर उठाता हुआ आ रहा है। आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पिछली बार बीजेपी ने 9 गुर्जर विधायकों को टिकट दिया था, लेकिन 9 के 9 हार गए थे। क्यों? क्योंकि जो सचिन पायलट सचिन पायलट एक तरह से मुख्यमंत्री की दावेदारी में आगे थे और गुर्जरों को उम्मीद थी कि पहली बार एक गुर्जर मुख्यमंत्री बनेगा, वो पार्टी उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई है। तो अब जो गुर्जर क्या महसूस कर रहा है, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, एक सचिन फैक्टर, वो अभी ज्वलंत मुद्दा है ना, तो सचिन फैक्टर पिछली बार क्या हुआ और अब क्या हो सकता है? मैम, जो पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ किया, धोखा नहीं कह सकते उसे हम, क्योंकि जो पायलट साहब को आगे करके हम लोगों को, हम वोटर को साजिश नहीं थी। एक मिनट, जो आगे किया उनको कोई बात नहीं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का चेहरा थे, मैम चेहरा थे, सब समाज लोग
गुजरों कोई पायलट समाज का नेता नहीं मैम, वो पूरे राजस्थान के पूरे इंडिया के नेता। गुजरों ने वोट दिया था ना, गुजरों ने वोट दिया मैम, जाटों ने उनका समर्थन दिया और मीणाओं ने उनका समर्थन दिया, सिर्फ पायलट के नाम पर वोट दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री मीडिया बोलती है जादूगर है, वो डमरू बजाता है वैसे डमरू बजता है। सचिन पायलट जी के साथ में जो गद्दारी की है वो सबको अवगत है, पूरे राजस्थान के जनता को अवगत है और कांग्रेस को भी पता है, बीजेपी को भी पता है। सचिन पायलट जी एक अच्छे नेता है, उन्होंने उनको हमने बीजेपी में न्योता दे रखा है, मोस्ट वेलकम सचिन जी। जैसे ज्योतिराज जी सिंधिया पधारे हैं वहाँ सरकार गिरा करके बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में, तो हमने भी उनको न्योता जरूर दे रखा है। हमारे आर्मी में सबसे ज्यादा गुजर समाज के जवान है और अभी जाट रेजिमेंट है, गुजर राजपूत रेजिमेंट है, गुजर रेजिमेंट का हमारा कब से मुद्दा रहा है लेकिन अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। जो भी मोदी जी थे इनमें भी मुद्दा रखना चाहिए, लेकिन अभी वो भारत जोड़ो यात्रा में भी ये मुद्दा था लेकिन इस मुद्दे पर कोई अपनी आवाज नहीं उठा रहा है और कोई इसका समर्थन नहीं कर रहा। हमें मोदी जी से उम्मीद थी कि वो देवनारायण कॉरिडोर की घोषणा करके जाएंगे, बट उन्होंने वो भी नहीं किया। देवनारायण कॉरिडोर की घोषणा करने की उम्मीद थी हमें मोदी जी से, एक ही उम्मीद थी मैम। तो कई मिलीजुली प्रतिक्रिया मिल रही है यहाँ पर, एक क्रेज है जैसे वो कह रहे हैं कि काफी उत्साहित थे उनकी उनकी यात्रा को यहाँ पर लेकर, लेकिन साथ में कई ऐसे मुद्दे थे जैसे आरक्षण का मुद्दा है या गुजर रेजिमेंट का मुद्दा है और ऑफकोर्स सचिन फैक्टर जो है वो एक बड़ा फैक्टर रहेगा इस चुनाव में। मालासरी से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आगे बढ़ गई है, यात्रा श्रीनगर की तरफ जा रही है। आज यात्रा में प्रियंका गांधी शामिल हुई, इसके अलावा जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी राहुल गांधी के साथ नजर आईं। कल इस यात्रा को बनिहाल में कांग्रेस ने रोक दिया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो लोग राहुल गांधी की सुरक्षा में रस्सी पकड़कर सुरक्षा का घेरा बनाकर अमूमन नजर आते हैं वो दिखे नहीं। एक समय बड़ी संख्या में लोग घुस आए, कुछ देर रुके रहने के बाद राहुल गांधी को सुरक्षा घेरे में अनंतनाग ले जाया गया। अनंतनाग में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बनिहाल में सुरक्षा इंतजामों में दिक्कत आई जिसके बाद यात्रा रोकी गई। राहुल गांधी ने आज यहां श्रद्धांजलि पेश की जो 2019 में फरवरी 2019 में सुसाइड आत्मघाती हमले में 40 सीआरपीएफ लोग के लोग जो मारे गए यहां लतपोरा में। जो ही यात्रा यहां पहुंची जहां आज की यात्रा ख़त्म हो रही है पैदल मार्च, तो ये राहुल गांधी वहां रुके और उन्होंने वहां ये श्रद्धांजलि उनको पेश की और सभी ये देख रहे थे क्या राहुल गांधी यहाँ रुकेंगे, श्रद्धांजलि पेश करेंगे, वो एक बड़ा हर एक के मन में था। लेकिन अहम बात यह है, फरवरी 2019 में एक बड़ा सुसाइड अटैक, 40 सीआरपीएफ के लोग मारे गए जिससे पूरी सुरक्षा व्यवस्था को बदल दिया, यह अलगावाद का गढ़ माना जा रहा था और आज यहीं इसी गाँवों के इसी इलाके के सैकड़ों लोग भारत जोड़ो यात्रा में जुट गए। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो और तिरंगा और कांग्रेस फ्लैग के पीछे भी न सिर्फ आप देखें बड़े बल्कि बच्चे भी यहां बड़ी तादाद में इस यात्रा में आए हैं। पुलवामा का हमला आपको याद है क्या उस वक्त हालत थी, लेकिन जाहिर सी बात है जहां आपको क्रेडिट देना चाहिए, यह हालात मुमकिन नहीं थे कि कुछ साल पहले कि यहां भारत जोड़ो यात्रा इस तरह से चले, तिरंगा चले और फिर बड़ी तादाद में लोकल लोग उसके साथ आके जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारा के साथ हाथ से हाथ मिला के यहाँ इस तरह की रैली हो, तो देखिए कब पीछे कितना शोर हो रहा है। यात्रा आज की ख़त्म हो चुकी है लेकिन जज्बा वही है और सबसे बड़ी बात लखपोरा पुलवामा जहाँ 2019 में आतंकवादी हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, वहीं आज सैकड़ों लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करके जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे बुलंद किए, राहुल गांधी के साथ चले कड़ी सुरक्षा में, बोले या न बोले जमीन के हकाई खुद अपनी तस्वीर बयान करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए सड़कों की मरम्मत और साफ सफाई पर जोर देने की बात कही है। 250 के करीब एंटी स्मॉग गन्स
कम स्प्रिंकलर्स को हायर किया जा रहा है। हमारी दिल्ली में 250 वार्ड हैं, 250 मशीनें हायर की जा रही हैं, तो एक वार्ड में एक मशीन दे दी जाएगी। ये उन वार्ड्स के अंदर, जैसे मैंने कहा 150 मशीनें ऊपर हायर कर रहे हैं, वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें, जो नॉन पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, जो छोटी छोटी सड़कें हैं, उनके लिए हम 250 मशीनें हायर कर रहे हैं। वो उन छोटी मशीन सड़कों को धोएंगे और उनके दोनों तरफ जो पेड़ पौधे हैं उनको भी धोएंगे। ये भी 10 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हैं। 10 साल के लिए कंपनीज को धोने के लिए, फुटपाथ और सड़कें धोने के लिए, साफ करने के लिए, मैकेनिकल स्वीपिंग के लिए दिया जा रहा है। उन्नीस जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई की मेट्रो 2A और 7 को हरी झंडी दिखाई थी। पश्चिम उपनगर में दहिसर से अंधेरी तक पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। नतीजतन एक सप्ताह में ही 10 लाख से ज्यादा यात्री इसमें यात्रा कर चुके हैं। मुंबई में रोड कनेक्टिविटी की तस्वीर कैसे बदल रही है, इसका ताजा उदाहरण है मुंबई मेट्रो 2A और मेट्रो 7, जिसमें मैं फिलहाल बैठा हूं। और अभी हम गोरेगांव से गुंदौली की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अंधेरी जा रहे हैं। ये मेट्रो में हम बैठे हुए हैं, इसमें भी देखिए लोग, पैसेंजर्स भी काफ़ी बैठे हैं। दरअसल मुंबई में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ट्रैफिक की है, और ट्रैफिक की को अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जाम रहता है अक्सर। दहिसर से अगर अंधेरी आना हो तो लगभग एक घंटा से सवा घंटे भी लग जाता है, और लेकिन इस ट्रेन से, इस मेट्रो से जब हम सफर करते हैं दहिसर से लेकर गुंदौली तक, तो सिर्फ 21 मिनट का वक्त लगता है, वो भी वातानुकूलित माहौल में पूरा की पूरी यात्रा होती है। पैसे भी बहुत कम है, समय की बचत, पैसे की बचत, और यात्रा का भी एक तरह से सुंदर नजारा देखते हुए बहुत सुंदर सुहानी यात्रा हम कह सकते हैं। तो कुछ यात्री हैं यहाँ पर, हम बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस तरह। सर, ये जो मेट्रो 2A और 7A शुरू हो चुकी है, जब से दहिसर से अंधेरी तक कनेक्ट हुई है, कितना बढ़िया हुआ है आपके फायदे के लिए? नहीं, ये डेफिनेटली बहुत अच्छा हुआ है। और इससे पहले हम दिल्ली रहते थे, तो दिल्ली का मेट्रो का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी कनेक्टिविटी और उस सब की प्रॉब्लम्स नहीं थी। यहाँ पर भी अब क्योंकि मोस्टली वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जाते हैं, इसकी वजह से ये कनेक्टिविटी अप टू अंधेरी और फर्दर अगर और आगे बढ़ती है, इट विल बी ग्रेट, बहुत बढ़िया होगा। तो और भी यात्री हैं, आप कहाँ, मुंबई के रहने वाले हैं? हाँ जी सर, आपने दहिसर से लेके बोरीवली तक या अंधेरी तक सफर किया होगा? अभी मालाड से मैं इधर तक आया है, अभी मस्त है, मुंबई का शान है, अपना मुंबई में ऐसा होना बहुत नहीं चांगला। ये कोशिश है पूरे शहर को मेट्रो की बेहतर कनेक्टिविटी देने की, ताकि लोगों की यात्रा जो है वो सुखद हो, सुरक्षित हो, और आसानी से लोग कहीं भी आ जा सके। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में झूठी शान के लिए हत्या का मामला सामने आया है। दिल दहला देने वाली इस वारदात में पिता, चाचा और दो भाइयों ने मिलकर घर की बेटी की हत्या कर सबूत भी नष्ट कर दिया। मृतक युवती का गांव के एक युवक से संबंध था, जिससे घर वाले नाराज थे। पुलिस ने मामले में पिता, चाचा और चचेरे भाई सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 22 साल की शुभांगी जोगदंड अपने ही पिता, चाचा और भाइयों की नाराजगी का शिकार हो गई। 22 जनवरी की रात सभी ने पहले उसे बिजली का झटका देकर मारा, फिर शव को जलाकर उसकी राख नदी में फेंक दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि शुभांगी किसी और से प्यार करती थी। प्रेम प्रकरण था गांव में एक बच्चे का, और उसने ये बच्चे की उनके माँ और बाप ने सगाई करी वाली थी, और वो सगाई टूट गई, इसलिए इन्हें माँ बाप को ऐसा लगा कि हमारा अपमान हुआ है, और ये अपमान में हम क्या करना अभी। तो उन्होंने क्या करा सर, ये पांव उठाए और ये बहुत निंदनीय घटना कर दी इन्होंने। अपमान की आग में जल रहे परिवार ने अपनी ही बेटी और मेडिकल की छात्रा शुभांगी की हत्या कर उसका सबूत भी मिटा दिया था, लेकिन गांव वालों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिक जांच की और हत्या का मामला दर्ज किया। उन्होंने ये कबूल किया कि 22 तारीख को 10 से 11 के बीच उस लड़के का किसी से अफेयर था, और उसके वजह से उसकी एंगेजमेंट टूट गई है, इसकी वजह से उनकी बदनामी हुई है, और उनके इस डिबेट में उन्होंने उसका गला दबाकर खून किया। बाद में उसको अंतिम विधि करके उसकी एशेज उन्होंने नदी में बहा दी थी,
तो इस बारे में जानकारी लेने के बाद उन्होंने यह कबूल किया है कि ऐसी घटना की है। हमने कुछ स्पॉट्स भी देखे हैं जहाँ पर राख मिली है और नदी में कुछ सामान भी मिला है जो फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है। उन्हें अरेस्ट किया गया है और आगे तपास शुरू। पुलिस ने मामले में शुभांगी के पिता, चाचा, मामा और दो भाइयों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और परिवार के दूसरे सदस्यों की भूमिका की भी जांच कर रही है। नांदेड़ से कन्हैया खंडेलवाल के साथ मुंबई से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हाल में ऐसी खबरें आए दिन छप रही हैं कि लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। ऐसे समय में और आने वाले बजट के पहले दिहाड़ी मजदूरों का हाल देखते हैं। हमारी सहयोगी शुभांगी की रिपोर्ट। इंतजार और उम्मीद की सीमा एक दिहाड़ी मजदूर ही बता सकता है। हाथ पर हाथ धरे ये मजदूर हर चौराहे पर आपको बैठे मिलेंगे, सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक। पहले नौकरी करते थे, वो कोरोना के बाद छूट गया हमारी। अब ऐसा ही हमारा खाना पीना चलता रहता, कभी महीने का कभी 10,000 कमा लिया, कभी 9,000, कभी 8,000, कभी महीने का 5,000 रह जाता। 84 के 4 साल के बाद यहाँ आए दिल्ली में। और क्या काम मिस्त्री काम करते थे उस टाइम में 100 रुपया का दिहाड़ी था, 100 से बड़ा 800 रुपया हुआ है, 700-800 मिलता है, तो अब कामे नहीं है। सुबह हम नोएडा के लेबर चौक पर पहुंचे, ना कोई कंपनी आई ना ठेकेदार। सरकार दिहाड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन भत्ता तय करती है। कोरोना के बाद ज्यादातर जगहों पर वेतन भत्ता बढ़ा है, मगर जब महीने में सिर्फ 4-5 दिन काम मिलता है तो दिहाड़ी मजदूर मासिक वेतन भत्ते का आधा भी नहीं कमा पाते हैं। कई तरह की सरकारी योजनाओं से लोग वाकिफ हैं, इनके पास श्रम कार्ड भी हैं, मगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। 3 दिहाड़ी लगती है मान लो किसी की भी पूरे महीने में, या आधी दिहाड़ी मिलता 3 दिन के हिसाब से, तो क्या बचागा था, क्या खाएगा था, क्या क्या बच्चों को देगा। ये जो ये कार्ड बनाते हैं लेबर कार्ड, ये भी बेकार बना रखा है। करीब 10 बजे नोटबंदी, महामारी और अब बेरोजगारी से त्रस्त दिहाड़ी मजदूर दिल्ली के कोटला मुबारकपुर के चौक पर उम्मीद जरा खोते हुए दिखे। मजदूरों को राशन का लाभ तो है, लेकिन यहाँ भी समस्याएं हैं। गांव के राशन कार्ड से खरीदने पर 8-10 किलो राशन कम मिलता है। औरतों की आप बीती कुछ अलग है। औरत होने की वजह से दिहाड़ी और भी कम मिलती है। अच्छा लगा कि एक मर्द ने उनके हक की आवाज उठाई। यहाँ पर लेडीज भी लोग काम करती है, लेडीज लोग भी दिहाड़ी नहीं मिलती है। लेडीज को क्या, हम लोग से कम काम करती है, हम लोग ज्यादा ही कोई काम करती है। बाकी ये लोग का दिहाड़ी मिलता है 400 रुपया, 350 रुपया मिलता है। कब से बैठे हुए आप लोग यहाँ पे? अभी कब से बैठे हुए? 9 बजे से। 9 बजे से बढ़िया। करीब 12 बजे हम दिल्ली के मोती नगर चौक पहुँचे। यहाँ काम की उम्मीद तब तक निराशा में बदल चुकी थी। अब शाम के 4:30 बज चुके हैं और कई मजदूर निराश होकर घर वापस जा चुके हैं। ये जो अमीरी और गरीबी के बीच की सरहद है, ये इन्होंने नहीं बनाई है, ये इन पर आ गिरी है। मजबूरी, लाचारी, भूखमरी और बेरोजगारी के रूप में ये जो लोग हैं, ये अपने ही देश में एक शरणार्थी की तरह जी रहे हैं। ले अच्छा हाँ, इन्हें अब आजकल लाभार्थी भी कहा जाता है, तो इन्हें लाभ और अच्छे दिन कब मिलेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। ये अपनी रोज की जिंदगी इसी उम्मीद के साथ काट रहे हैं कि इनका आने वाला कल आज से बेहतर होगा। मैं हूँ शुभांगी डेढ़गवे, कैमरा पर्सन सुदेश कुमार राम के साथ, एनडीटीवी इंडिया के लिए।